चालू हुई सर। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज श्री आनंद कुमार गुप्ता जी के भारती जी के माध्यम से आज इस दिल्ली लोकसभा के अंदर कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत आम जनता को जो सर्टिफिकेट का जो कार्यक्रम है वो मंडी टू मंडी किया जाता है और यहाँ पे सभी लोग अपना कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं और हमारे जितने भी भाई बंधे हैं सभी लोग जो कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। आज आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका काम धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार ठप पड़ गया है, नौकरी छूट गई है, जिसके कारण लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। तो आज आपको एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ, समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंस गया है और उस व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है। अभी राजस्थान से कुछ लोग आए हुए हैं मेरे साथ, राजस्थान के जो भी लोग थे वो कहेंगे राजस्थान वालों। तो आज देश की जनता जो आज कर्जे की दलदल में है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसमें आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। जब से सरकार ने GST नोटबंदी लॉकडाउन लगाया है उसके बाद से लोग कर्जे में फंसे हुए, यानी कि सरकार ये जो नीतियां हैं इससे सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को फायदा हुआ है, उनका काम धंधा सही चल रहा है, उनकी कंपनियां सही चल रही हैं, उनका व्यापार सब सही चल रहा है, लेकिन जो आम व्यापारी है, जो आम रोजमर्रा का खाना खाने कमाने वाला व्यक्ति है, जो मजदूर है या कोई रोजगार जिसके पास है, उसका काम धंधा या उसकी नौकरी वगैरह सही नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं GST से बहुत सारी जो कंपनियां थी वो अफेक्ट हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जो नौकरियां हैं वो छूट गई हैं। तो आज देश की जनता जो कर्ज में है ये सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं और आज हमारे ऊपर देशद्रोही का जो है सरकार के प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम गलत काम कर रहे हैं। क्या हम सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं? हम तो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो काम आम जनता के लिए सरकार को करना चाहिए। आज हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के माध्यम से और उनकी पूरी टीम पूरे देश में काम कर रही है, हर लोकसभा में काम कर रही है, हर जिले में काम कर रही है, हर गांव में काम कर रही है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो बताइए, आम जनता यहाँ पे खड़ी है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को हम संसद भवन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ले जाने का काम कर रहे हैं और आम जनता की जो समस्या है उसको वित्त मंत्रालय ले जाने का काम कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक जहाँ जाना होगा आम जनता की कर्जा माफी के लिए हम जाएंगे। क्या सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि गलती क्या है, गलतियाँ कहाँ हो रही है? हमारी गलतियाँ, हमारी लड़ाई किसी नेता से या किसी पार्टी से नहीं है, या हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहे, हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीति कर। तो सरकार का काम बनता है कि जिस प्रकार से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को कर्जा माफ किया है, उसी प्रकार से आम जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से गौतम अडानी का कर्जा 12,770 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया है, उसी प्रकार से क्या आम जनता का 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक का कर्जा माफ नहीं हो सकता? हो सकता है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहे तो आम जनता का कर्जा माफ कर सकती है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, और देशों में भी आम जनता का कर्जा माफ किया गया। तो अभी पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, लेकिन आज के समय में जो आम जनता है वो आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये समस्या बन कहाँ से थी? अभी NCERB का जो डेटा है, पिछले 5 सालों में काफी लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। तो सरकार जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, अभी आप TV ओपन कर लीजिएगा, चैनल ओपन कर लीजिएगा, सरकार उन विषयों पर बात नहीं करना चाह रही है। सरकार सिर्फ धर्म जाति की बात करना चाहती है, सिर्फ धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करना चाहती है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो कर्जे की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, मतलब सरकार जो है आम जनता से सरकार ने मुंह मोड़ लिया और आम जनता को इग्नोर करने का काम किया जा रहा है। जो अहम मुद्दे उस पर बात नहीं हो रही, ना मीडिया समस्या सुनने को तैयार है और उनके ऊपर भी जो है सरकार के माध्यम से जो है उनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि आम जनता की बात करनी नहीं है, बात करनी है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए, बात करनी है सिर्फ बड़े लोगों के लिए। आज मजदूर परेशान है, किसान परेशान है और जितने भी लोग काम धंधा करने वाले लोग हैं जिनका व्यापार आज ठप पड़ गया है वो परेशान है, उनका कर्जा चढ़ गया है। तो आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, राजस्थान वाले लोग आ जाइए जरा, थोड़ा सा भैया ये आपको बुला रहा हूँ, आप आई नहीं मिल जाएगा। राजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति जो कि राजस्थान का एक निवासी थे, मजदूर थे, लेबर थे, उन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली, इसका जो गुनहगार है वो कौन है? मेरे हिसाब से सरकारी है, सरकार ही गुनहगार है कि आज वो व्यक्ति जो लेबर था, जो व्यक्ति अपना गुजर बसर कर रहा था, अपने अपनी लाइफ को सर्वाइव करने का काम कर रहा, आज वो आत्महत्या कर चुका है, आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। और अभी की घटना बता रहे हैं कि अभी भी मतलब कर्जे के कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कर्जे की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को सपोर्ट करती है, उनका कर्जा माफ कर देती है, उनका कर्जा अंडर राइट ऑफ कर देती है, उसी प्रकार से आम जनता की समस्या को सुनना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा। ये लड़ाई हमें संसद सड़क से लेकर संसद तक भी लड़नी पड़ेगी, हम तैयार हैं।
और हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, चाहे आप हमारे ऊपर कितनी भी एफआईआर दर्ज करा रहो, चाहे आप हमारे कुछ भी कह दो, अगर आम जनता ही करदा माफी देशद्रोही है या सवाल से सवाल सरकार से सवाल जवाब करना अगर देशद्रोह है तो हाँ ठीक है, हम देशद्रोही हैं, हम अपने आप को मान लेते हैं हम देशद्रोही हैं। आम जनता बता देगी कि देशद्रोही कौन है इस वक्त, सरकार है या आम जनता है? सरकारी है, क्योंकि वो जोर से सरकारी है ना, सरकारी है भैया। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को ही कर्जा माफ कर दो, जिन्होंने आपके लिए नारे लगाए, जिन्होंने आपके लिए झंडे उठाए, जिन्होंने आपके लिए आपको वोट दिया। आज तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वही परेशान है, आप उनका हमारा कर्जा माफ करो, आप अपनी पार्टी के जो समर्थक हैं, आप जो लोग आपको वोट देते हैं, आप उनका कर्जा माफ कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका भी कर्जा माफ नहीं करना चाह रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आज वो यूँ कह रहे हैं कि हम अगली बार वोट नहीं देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए काम नहीं करेगी। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ करने से काम नहीं चलेगा, अब आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। वो सवाल भी तो उसी से किए जाएंगे जो सत्ता में बैठा है। अगर देश के अंदर सवाल जवाब करना गलत है तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया। फिर मतलब सरकार चाहती है कि हमें रोका जाए, हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई, हमें यूँ कह रहे हैं कि ये लोग जो है आर्थिक जंग छेड़ना चाहते हैं सरकार के साथ। क्या हम कोई आर्थिक जंग छेड़ रहे सरकार के साथ? सरकार से हमारी छोटी सी मांग है, जिस प्रकार आप बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ करते हो, जैसा सुभाष चंद्र का जो कर्जा था 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, उन 48,000 करोड़ के अंदर में से 37,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। मतलब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को आप सपोर्ट करना जानते हो, उनको कर्जा माफ करना जानते हो कि आम जनता का कर्जा, तो ये हमारे पास ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट है जो रोजमर्रा खाना कमाना उसका चलता था, सर्वाइव करता था बेचारा, वो लेबर था, मजदूर था, लेकिन आज वो व्यक्ति आत्महत्या कर चुका। ये देख लीजिए, राजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति जो कि राजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार ने जो GST लगाया, नोटबंदी लगाया, लॉकडाउन लगाया, उसके कारण ही आज ये व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है। और ये उसके मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है, देखो ये सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट है उसके। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सरकार को ये कर्जे की समस्या को गंभीरता से लेना पड़ेगा। चाहे आप हमारे ऊपर कितनी भी एफआईआर दर्ज कर दो, चाहे आप हमें देशद्रोही कह दो, हम तैयार हैं, लेकिन हम ना हम झुकने वाले। क्या आम जनता का कर्जा माफ होना चाहिए? होना चाहिए। सरकार जैसे बड़े लोगों का कर्जा माफ करती है, ऐसी आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए? करना चाहिए। सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। लोग आज कर्जे में फंसे हुए हैं, वो हमारे पर ही मतलब यूँ कह रहे हैं कि आप सरकार से आर्थिक जंग जो है छेड़ना चाह रहे हैं। हमारा जो मालवीय नगर में ऑफिस है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हमारे पर 10-15 एफआईआर दर्ज करा दी गई है, और जल्दी यूँ कह रहे हैं कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, तो आम जनता हमारे जो 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो कैसे जुड़ते हैं? आज की डेट में हमारे साथ जो है 10 लाख से अधिक लोग हमारे इस कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। तो वो क्यों जुड़ रहे हैं? ये सभी लोग जेन्युइन है, उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लोग कर्जे में फंस गए हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे हुए हैं। रोज जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनका भी जो है जीना बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी खाली हो जाएगा। आम जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती, आम जनता से सरकार होती है। सरकार जब बनती है तो सरकार आम जनता के वोट के इस्तेमाल से ही एक सरकार का गठन किया जाता है, लेकिन आज के समय में देखिए इस प्रकार से आज हालत हो गई है। लोग आज कर्जे के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। आत्महत्या करने की जो वजह थी वो क्या थी? कर्जे के कारण आत्महत्या करी। ये वहाँ पे उनके निवासी हैं, जहाँ पे राजेंद्र कुमार जहाँ पे रहते थे, ये वहीं से ही आए, और इन्होंने बताया कि कर्जे ये एफआईआर की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एफआईआर जो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो सबूत हैं, ये वो एविडेंस हैं जिससे राजेंद्र कुमार जी ने आत्महत्या करी है। ये एविडेंस बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी खुशहाल जी रहा था, अपना छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन आज के समय में वो आत्महत्या कर चुका। तो सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होने वाला, क्या हमें देशद्रोही कहने से कुछ नहीं होने वाला, सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं। उनसे बुलवाओ, उनसे बुलवा, जिससे कारण लोग परेशान हैं। ये राजस्थान से आए हुए भाई साहब, नाम क्या आपका? राजेंद्र कुमार। जोर से। जो आत्महत्या करी है उन्होंने कब करी? जो आत्महत्या करी उन्होंने 8 महीने में। किसके कारण? कर्जे के कारण। किस चीज से कर रहे थे?
सर ट्रैक्टर का भी था और ट्रैक्टर वाला लोन भी सब दे थे कुछ, और वो ग्रुप लोन भी दे थे। तो कर्जे वाले परेशान कर रहे थे उसको, कर्जे वाले परेशान कर रहे थे, साहूकार लोग परेशान करते हैं। पॉइजन पी लिया था ये बता रहे हैं कि इन्होंने पॉइजन पी लिया था, उनपे ट्रैक्टर वगैरह का कर्जा था, साहूकार परेशान करते थे उनको। गंगानगर के निवासी थे, राजस्थान के थे और कर्जे में फंसे हुए थे, और आज मतलब जो 8 महीने में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सरकार को इस गंभीरता को समझना पड़ेगा, अगर आज उनका काम धंधा सही चल रहा तो वो कर्जे के कर्जा चुका देते। और अब तो बहन बेटियों के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है, बैंक वाले आते हैं गाली गलौज करते हैं, बहन साहूकार आते हैं गाली गलौज करते हैं, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बदतमीजी चल रही है पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही लोग कर्जे में। सरकार को गंभीरता को समझना पड़ेगा, चाहे आप हमारे ऊपर कितनी भी FIR दर्ज कर दो, कितना भी हमारे ऊपर आप झूठा इल्जाम लगा दो, हम तो आम ना रुकेंगे ना हम झुकेंगे, आम जनता की कर्जा माफी तक इसी प्रकार से अभियान चलता रहेगा। और अब या तो सरकार कर्जा माफ करेगी या तो आप इस बार आम जनता की सरकार हारी है। हाँ जी, हाँ जी, आम जनता ही सरकार बनाएगी और आम जनता ही जाके संसद में जाके विधानसभा में जाकर अपना कर्जा माफ करेगी। अब सरकार को ही तय करना पड़ेगा, या तो सरकार कर्जा माफ कर दे, 10 लाख लोग हो चुके हैं, क्रांति बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप ले रहा है कर्जा मुक्ति अभियान, या तो सरकार कर्जा माफ कर दे, हाथ जोड़कर विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वरना फिर ऐसी सरकार आएगी जो पूरे देश भर में से जो कर्जा माफ करेगी। क्या आप तैयार हो सब? हाँ जी, सपोर्ट करोगे? हाँ जी, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब लोग बोलना, करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इस अभियान को सपोर्ट कीजिए, इस अभियान को आगे बढ़ाइए, और आप सब लोगों की जागरूकता के माध्यम से आज हमारे पास 10 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, इसी प्रकार से अभियान को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई व्यक्ति जो लोग कर्जे में फंस गए हैं आत्महत्या करने की ना सोचे। अगर आज आप आत्महत्या कर लोगे, कल को कर्जा माफ होगा, तो हम आपकी जान कहां से लेंगे? तो आत्महत्या नहीं करनी है, आप इस अभियान को सपोर्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। जय हिंद। जो जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, घर पे हमारे टीम वाले आ रहे हैं, पकड़ ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका क्या करना चाहिए? कैसे मतलब? बैंक वाले फोन करते हैं, हमारी टीम आ रही है आपके पास। अगर बैंक वाले आपके पास फोन करते हैं या आपको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, आप सब लोग सुन लो, बैंक वाले आता है अगर आपको परेशान करता है या आपकी समस्या को नहीं सुनता है, या आपके साथ बदतमीजी करता है, या आपके साथ गाली गलौज करता है, एब्यूसिव वर्ड्स का यूज करता है, जो भी बैंक वाला है, उससे पहले आप अपना DRA का सर्टिफिकेट पूछना है। क्या पूछना है? DRA का सर्टिफिकेट। DRA का सर्टिफिकेट का मतलब होता है, DRA का सर्टिफिकेट का मतलब होता है डेब्ट रिकवरी एजेंट। और आपको दूसरा जो डॉक्यूमेंट पूछना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, डेप्थ जॉब अथॉरिटी लेटर और आइडेंटिटी कार्ड। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट वो नहीं दिखलाता है, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति जो है फ्रॉड है। आपको ऐसे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगना है। अगर आप अपने अधिकारों को जान लोगे, तो रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं करेगा। पहले DRA का सर्टिफिकेट, जॉब अथॉरिटी लेटर, और आपको जो तीसरी चीज पूछनी है, आइडेंटिटी कार्ड पूछनी है। अगर वो नहीं दिखलाता, तो आप उसकी उल्टा आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी रिकवरी, अगर कोई महिला है वो रिकवरी एजेंट के रूप में काम करती है, आपको कॉल करती है घर पे, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लो, थाने में जाओ, उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, उसका पहले नाम जान लो कि तुम्हारा नाम क्या है। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल कुछ भी कर सकती हो, आप गाली गलौज कर सकते हो किसी के साथ, महिला होने का फायदा नहीं उठा हुआ। तो कोई भी रिकवरी वाला या कोई भी महिला किसी भी कंपनी से आपको कॉल करती है, कोई भी रिकवरी एजेंट वाली, तो आप उनकी रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड कर लो, अपने नियर बाय थाने में जाके उसकी कंप्लेंट कर दीजिए, उसका नाम पता कर लीजिए कहाँ से बात कर रही है, लोकेशन पता कर लीजिए, उसका नाम जाके FIR दर्ज कराइए। अगर कोई भी महिला रिकवरी परेशान करता है, और जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है, DRA का सर्टिफिकेट, जॉब अथॉरिटी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड पूछिए, ये आपके अधिकार है। अगर नहीं दिखलाते हैं, आप उल्टा उनकी FIR दर्ज करा सकते हैं। सर इनकी सही से बना दो, इनकी ये बहुत इनकी